The challenge is also to keep green. सॉरी फॉर दिस। भोपाल में सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने देखी है और जिसका मैं इंतजार करती हूँ एक्चुअली, आजान का वक्त शाम को मैं अपने टेरेस पे बैठती हूँ, पैकअप हो जाता है आई थिंक 8 बजे के करीब, जब आजान सुनाई देती है ना, वो पूरे भोपाल के आई थिंक हर मस्जिद में आजान आती है, तो मेरे टेरेस पे एटलीस्ट 6 मस्जिदों से मुझे सुनाई देती है, तो वो 5 मिनट जो होते हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। सनसेट हो रहा होता है एंड माइक्रोफोन पे आजान की आवाज़ आ रही होती है, एक तरह का बड़ा स्ट्रेंज सा पीसफुल माहौल होता है। दैट्स माय फेवरेट टाइम ऑफ द डे। कक्षा, सोनू निगम ने अभी हाल ही में एक बयान दिया है जिस पे काफी कंट्रोवर्सी हुई है, 4 दिन से टीम टेलीविजन पे चल रहा है। व्हाट इज दैट? अजान जो सुबह होती है 5 बजे या कोई भी गुरुद्वारे में या टेंपल में जो आवाज़ें आती हैं उसकी वजह से लोगों को बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, लोग परेशान होते हैं। सी, आई कांट स्पीक फॉर एनीवन, बट आई पर्सनली लव अजान। जब हम लोग तनु मनु की शूटिंग भी कर रहे थे लखनऊ में, सो आई लव यू नो द साउंड ऑफ इट। आई कैन ओनली स्पीक फॉर माई सेल्फ। और कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी हो, चाहे वो गुरुद्वारे में हो या भगवद गीता हो या अजान हो, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और मैं हर जगह जो है वो जाती हूँ, चाहे वो कोई मस्जिद हो, चाहे टेंपल हो, चाहे वो चर्च हो, तो हम लोग तो क्रिसमस मास में भी चले जाते हैं हर जगह। सो बहुत ज़्यादा है नहीं आवाज़। सो आई कैन ओनली स्पीक फॉर माई सेल्फ, बट दैट्स नॉट टू से दैट व्हाट ही इज सेइंग शुड नॉट बी सॉर्ट ऑफ यू नो कंसिडर्ड। That's his opinion and he should be respected for that. And I think that's the idea of bringing it to social media, isn't it? So it can be discussed. If that answers your question. Yeah.